आज हम बनाएंगे चॉकलेट बनाना केक। इस केक की खास बात यह है कि हम इसे बिना अवन, बिना बटर एंड बिना मैदा के बनाएंगे। इस केक को बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कितनी स्पंजी और सॉफ्ट केक हमारी बनके तैयार हुई है। काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। आप इसे घर पर जब चाहे तब बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिक्सर जार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बनाना। तो इस तरीके से हम बनाना को स्लाइसेस में कट करके डालेंगे। बनाना डालने से हमारी केक है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। अगर आप एग से केक बनाते हैं तो एक बार बनाना से केक ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बनाना डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बनाना काफ़ी मीठे होते हैं तो मैं इसमें चीनी सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद अब हम अच्छे से बनाना को ब्लेंड कर लेंगे, जब तक जो चीनी है वो हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस के ले लिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल डालने से हमारी जो केक है वो काफ़ी सुपर सॉफ्ट बनती है। साथ ही में इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर। आप यहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच वनीला एसेंस, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर। इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। आज हम जो केक बना रहे हैं वो गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी इसमें नमक डालेंगे। इससे जो हमारी केक है वो ज़्यादा मीठी नहीं लगती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर और अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए छान लेंगे। छानने से हमारी केक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को छान लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड करते हुए। केक खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और आप इसे घर पर अवेलेबल नियन से ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिक्स करके ले लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है। तो इसके लिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे एक साथ दूध ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर। आप यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये चॉकलेट केक की रेसिपी बिना कोको पाउडर के देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें पूरा दूध ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे जो बैटर हमें तैयार करना है वो ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक, और साथ ही में जो बैटर हमारा हो उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। लम्स फ्री बैटर बना के तैयार करना है। तो अच्छे से हमने सभी चीज़ों को मिक्स करके ले लिया और आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना होता है। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टीन ले लिया है। अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। ऑयल से ग्रीस करने से हमारी केक है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाती है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद थोड़ी सी मैदा डस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑयल से हमने कंटेनर को ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें जो बैटर तैयार किया है उसे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब हम इसे स्पून से इस तरीके से क्वेल कर देंगे। अब हम इसे हल्का टैप कर देंगे जिससे इसके एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। टैप करने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से वॉलनट। अगर आपके पास चोको चिप्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स का जैसे बादाम, काजू, लेकिन मैं इसके ऊपर वॉलनट डाल रही हूँ। तो अब हम केक को करते हैं बेक। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर पतीला लिया है, क्योंकि आज जो हम केक बना रहे हैं वो बिना ओवन के बना रहे हैं। तो अब हम पतीले को ढक के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे, यानी कि गर्म होने देंगे धीमी गैस पर। तो जब हमारा पतीला गर्म हो जाए तब हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे। आप यहाँ पर किसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड रखने के बाद इसमें मोल्ड रख देंगे और मोल्ड रखने के बाद इसे ढक देंगे। ढकने के बाद अब हम इसे धीमी गैस पर ऐसे ही बेक होने देंगे 30 से 40 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे।
तो यहाँ पर 30 से 40 मिनट के बाद हमारा केक है वो बेक हो गया। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके के क्रैक्स आए हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। अब हम चेक कर लेते हैं, तो इस तरीके से जब हम फूड स्टिक इसके अंदर डालते हैं और बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी फूड स्टिक है वो एकदम क्लीन है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर हमने केक को अच्छे से ठंडा करके ले लिया है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करने से पहले हम इस तरीके से इसके किनारों को चाकू से लूज कर लेंगे और अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और हमारा जो कंटेनर है वो भी एकदम क्लीन है। देख सकते हैं कितना स्पंजी केक है वो हमारा बनके तैयार हुआ है। अब हम झटपट से केक को कट कर लेते हैं। तो लीजिए घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही हमारा केक है वो बनके तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और आपके घर में सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है। सो गाइज, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।